एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं बिग बॉस डे 75 के टॉप हाइलाइट्स। बिग बॉस के घर में सुबह का अलार्म बजता है नए गाने के साथ और सभी उठकर डांस करने लग जाते हैं। बाद में सभी आपस में मिलकर इस हफ्ते के एलिमिनेशन पर चर्चा करने में लग जाते हैं। इस बीच दीपक अपनी राय बताते हुए कहते हैं कि उनके हिसाब से इस वीक जसलीन मथारू को घर से बेघर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ दीपक ही नहीं बल्कि श्री सन भी दीपिका से यही बात करते हैं कि उनके हिसाब से भी जसलीन को ही इस घर से बेघर होना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी संचालक नहीं थी। दोपहर में सुरभि राणा श्री सन के अतीत के बारे में बात करके उन्हें उकसाने की कोशिश करती हैं। सुरभि कहती हैं कि वो बार बार घर छोड़ने की बात करते हैं और साथ ही साथ थप्पड़ खाने वाली बात और आईपीएल वाली बात घर वालों के सामने कहकर उनके सिंपथी लेने की कोशिश करते हैं। सुरभि थप्पड़ शब्द का यूज करती है। दूसरी ओर श्री सन उनका जवाब देते हुए सुरभि को चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस कह देते हैं। इसके बाद सुरभि दीपिका से कहती है कि एक औरत होकर भी अगर वो इनका समर्थन कर रही है तो ये गलत है। इसके बाद बारी आती है काल कोठरी की सजा की। सुरभि ने जसलीन रोमिल और श्री सन के नाम को सजा के लिए दिया। वहीं जसलीन सुरभि से असहमत है और कहती है कि काल कोठरी की सजा सोमी को होनी चाहिए। दीपक भी जसलीन और श्री सन का नाम लेते हैं। करणवीर बोहरा ने सजा के लिए श्री सन का नाम लिया। दूसरी ओर जसलीन दीपक और सुरभि केवी को नॉमिनेट करते हैं। दीपिका दीपक से कहती है कि वो अब तक अपने दोस्तों का साथ देते आए हैं और उनके लिए कवर अप करते आए हैं, लेकिन इस बार उनकी बारी है। सुरभि ने दीपिका को बोरिंग कहा। काल कोठरी की सजा के लिए दीपक, सुरभि और श्री सन को जाना होता है। सोमी कहती है कि जब कभी सुरभि और श्री सन की लड़ाई होती है तो दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जेल की सजा मिलने के बाद श्री सन और सुरभि लड़ाई करते हैं। बाद में सुरभि रोने लगती है। दीपिका बर्फ का ब्लॉक तोड़ देती है और काल कोठरी से श्री सन को मुक्त करा देती है। दूसरी तरफ सुरभि बताती है कि मेघा धड़े श्री सन के लिए बहुत अच्छी तरह से खेल रही है। मेघा को एक सीक्रेट काम मिलता है जिसका इम्पैक्ट घर वालों पर पड़ सकता है। करणवीर और दीपिका सुरभि के साथ श्री सन के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें सुरभि को लेकर उनका चरित्रहीन कमेंट भी शामिल होता है। दीपक भी कहते हैं कि वो रोमिल के व्यवहार के लिए उनसे नाराज हैं। रोहित सुशांति का मानना है कि दीपक के खिलाफ जाने के बाद रोमिल खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। रोमिल दीपक से निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जगह रोहित में अपना बिलीव दिखाया। सोमी रोमिल के व्यवहार के बारे में दीपक को समझाने की कोशिश करती है। मेघा श्री संत और दीपिका के साथ एक खास बॉन्ड बनाती है जो किसी नई रणनीति की तरह दिख रही है। मेघा का मानना होता है कि सुरभि अपने व्यवहार की वजह से ही जेल के अंदर है। मेघा रोमिल के लिए एक स्टैंड लेती है और रोहित से चुप रहने को कहती है। मेघा ये सब अपनी सीक्रेट कार्य के चलते ही कर रही है। रोहित रोमिल से कहते हैं कि वो लोगों को घूरते हैं। वही रोमिल उनके इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लोगों को घूरना जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें लोगों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। जसलीन मेघा से कहती हैं कि उन्होंने घर में कुछ अजीब सा महसूस किया है। मेघा को अपने सीक्रेट कार्य में बिग बॉस 12 के घर के अंदर अलग अलग कोनों पर नींबू और मिर्च रखना होता है। वेल, मेघा के सीक्रेट कार्य के बाद बिग बॉस के घर का माहौल कैसा होगा ये तो आज रात ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी रश।